देखिए सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना होगा कि राज्यपाल महाविकास आघाड़ी सरकार से बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। हालांकि ऐसा हुआ भी है, ऐसे कई और भी सवाल है जो महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक माहौल से उपज रहे हैं। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है? क्या एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से डील पक्की हो चुकी है? किसके कितने मंत्री होंगे क्या ये भी फाइनल हो चुका है? सूत्रों के हवाले से आ रही खबरें तो यही कहती हैं कि शिंदे गुट से कुल 13 मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री होंगे। वही बीजेपी के 29 मंत्री होंगे। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे में उन बड़े सवालों पर गौर करते हैं जो महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर सबसे ज्वलंत समझे जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या राज्यपाल उद्धव सरकार से बहुमत साबित कराने के लिए कह सकते हैं? इसका जवाब है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकारों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि सरकार के वकीलों की टीम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो 12 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यानी राज्यपाल चाहे तो वो सरकार के पास बहुमत के अभाव का संदेह होने पर एक्शन ले सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या बागी विधायक भी राज्यपाल से बहुमत परीक्षण करवाने की गुहार लगा सकते हैं? जवाब है, राज्यपाल खुद से सत्ता पक्ष को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल तब भी ऐसा कर सकते हैं जब विधानसभा का कोई सदस्य सरकार के पास बहुमत नहीं होने का दावा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को बहुमत परीक्षण करवाने का निर्देश देने की मांग कर दे। यानी संवैधानिक प्रावधान के तहत बागी विधायकों के पास राज्यपाल से गुहार लगाकर सत्ता पक्ष को बहुमत साबित करने की मांग करने का अधिकार है। सवाल नंबर 3, बागी गुट के पास क्या क्या विकल्प हैं? क्या एकनाथ शिंदे अलग पार्टी बना सकते हैं? तो जवाब है, दल बदल नियम के अनुसार कम से कम 2/3 सदस्यों को टूटने के बाद ही किसी भी दल के नए गुट को संवैधानिक मान्यता मिल सकती है। एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि उसके पास 39 से ज्यादा विधायक है, जो शिवसेना के कुल 55 विधायकों के 2/3 से ज्यादा हैं। ऐसे में नई पार्टी का गठन किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि शिंदे गुट खुद का विलय बीजेपी या मनसे से कर ले। सवाल नंबर 4, 2.5 साल से महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की बाट जो रही बीजेपी के पास अब क्या क्या विकल्प है? तो जवाब है, जैसा की पहले ही बताया जा चुका है कि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए कम से कम 40 विधायकों की जरूरत है। यह संख्या शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के पास है। इसके अलावा बीजेपी के साथ 10 अन्य निर्दलीय विधायक भी हैं। ऐसे में बीजेपी को इधर उधर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर नई सरकार बना सकते हैं। सवाल नंबर 5, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों की स्थिति क्या है? तो जवाब है, 288 सदस्यों की महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 सदस्य हैं, क्योंकि शिवसेना के एक विधायक के निधन से एक सीट खाली है। बीजेपी 106 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ शिंदे गुट के 39 विधायकों का साथ है। इसके अलावा 10 अन्य निर्दलीय भी बीजेपी के पास है, जबकि शिवसेना के पास मौजूदा विधायक 16 हैं, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 विधायक हैं, उद्धव के साथ समाजवादी पार्टी के 2, बीवीए के 3, पीजीपी के 2, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय विधायक 9 हैं। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा भारी है। सियासी समीकरण के हिसाब से तो गेंद राज्यपाल के पाले में है, साथ ही गणित के हिसाब से शिंदे गुट की शिवसेना के पास 39 विधायकों का दावा है, जो बीजेपी के साथ 2/3 बहुमत की सरकार बनाने को तैयार है। ऐसे में कभी भी फ्लोर टेस्ट होगा तो बीजेपी शिंदे गुट के साथ आसानी से सरकार बना लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।